हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम प्रश्नावली 6.5 से क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या कहा गया है, आकृति में त्रिभुज एबीसी के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु ओ है तथा ओडी लंब है बीसी पर, ओई लंब है एसी पर और ओएफ लंब है एबी पर। दर्शाइए कि इसमें हमें दो पार्ट दिए गए हैं, दोनों हमें दर्शाना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के लिए हमें ये एक आकृति दी गई है जिसमें हमें कहा गया है कि जो ओडी है ये लंब है बीसी पर। तो अगर ये ओडी इस बीसी पर लंब है तो इधर 90 डिग्री का कोण बनेगा और इधर भी। ऐसे ही जो ये ओई है ये लंब है एसी पर, तो इसमें भी इधर 90 डिग्री का कोण बनेगा और इधर भी। ठीक है, इसी तरह से जो ओ एफ है ये लंब है ए बी पर, तो इसमें भी इधर 90 डिग्री का कोण बनेगा और इधर भी। तो हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें दर्शाना है ये दोनों चीजें। सबसे पहले देखिए क्या है, ओ ए का स्क्वायर। तो ओ ए इसको हमें सबसे पहले ज्वाइन करना पड़ेगा, तो ये हम इस तरह से ज्वाइन कर दिए हैं। इसी तरह से प्लस में ओ बी स्क्वायर है, तो ओ बी इसको भी हमें ज्वाइन करना पड़ेगा। और फिर क्या है, प्लस में ओ सी का स्क्वायर है, तो ओ सी इसको भी हमें यहाँ पर ज्वाइन करना पड़ेगा। फिर माइनस में ओ डी का स्क्वायर, माइनस ओ ई का स्क्वायर, माइनस ओ एफ का स्क्वायर है, और बराबर में ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करना है पहले पार्ट में। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले इसमें जो जो हमने रचना किया है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हमने क्या रचना किया है, हमने ओ ए ओ बी और ओ सी को मिलाया है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि ओ ए ओ बी तथा ओ सी को मिलाया, तो ये हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ से हम अपना सॉल्यूशन करते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये चीज सिद्ध करना है। तो देखिए कैसे सिद्ध करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए हमें सिद्ध क्या करना है। सबसे पहले ओ ए का स्क्वायर है, तो ओ ए यानी कि ये जो आप देख रहे हैं, तो हमें ओ ए का स्क्वायर लाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस वाले त्रिभुज को लेंगे। ध्यान देना, त्रिभुज ए ओ एफ इस वाले त्रिभुज को हम लेंगे सबसे पहले, क्योंकि जो ओ ए है वो इस वाले त्रिभुज में ही आ रहा है। अब आप सोचेंगे कि इस वाले त्रिभुज में भी तो आ रहा है, तो हम इसको नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए बराबर के इधर हमें ए एफ का स्क्वायर लाना है, तो ए एफ जो है वो इस वाले त्रिभुज में आ रहा है, ये आप देख सकते हैं। इसीलिए हम त्रिभुज ए ओ एफ को सबसे पहले लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए ओ एफ में। अब इस त्रिभुज में देखिए, जो हमारा ये त्रिभुज ए ओ एफ है ये एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यानी कि ये समकोण है, तो समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, यानी कि जो ये ओ ए है ये क्या है, कर्ण है। तो जैसा कि हमें पता है कि पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है हमारा, कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसीलिए यहाँ पर हम लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर यानी कि ओ ए का स्क्वायर बराबर, इन दोनों में से हम लंब किसी को भी ले सकते हैं, चाहे तो हम इसको लंब ले सकते हैं और इसको आधार ले सकते हैं। तो हम इस ए एफ को लंब ले लेते हैं और ओ एफ को आधार ले लेते हैं। तो ओ ए का स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब का स्क्वायर यानी ए एफ का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी ओ एफ का स्क्वायर। ठीक है, और ये हमने कैसे लिखा है, यहाँ पर रीजन भी लिख देंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय से। तो ये हमने कर दिया। अब देखिए हम क्या करेंगे कि इसको हम समीकरण एक मानेंगे। इसी तरह से हम अब इसमें क्या करेंगे कि दूसरा त्रिभुज लेंगे। देखिए अब हमें इसमें क्या सिद्ध करना है, ओ बी का स्क्वायर। तो ओ बी जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहा, तो ये कौन से त्रिभुज में आ रहा है, त्रिभुज बी ओ डी में, यानी कि इस पे ध्यान दीजिए, इस वाले त्रिभुज में। अब आप सोचेंगे कि इस वाले त्रिभुज में भी तो आ रहा है, त्रिभुज बी ओ एफ में भी आ रहा है, तो हम इसको नहीं ले सकते, हम इसको लेंगे। इसमें भी हम इधर देखिए बराबर के इधर बी डी है, तो बी डी जो है यानी कि बी डी ये,
तो ये हमारा इसी वाले त्रिभुज में आ रहा है, त्रिभुज बी ओ डी में, इसीलिए हम त्रिभुज बी ओ डी को लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज बी ओ डी में, तो ये भी हमारा एक समकोण त्रिभुज है क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं 90 डिग्री का कोण है। तो इसके सामने ये वाली भुजा है तो ये हमारी कर्ण हो जाएगी, यानी कि कर्ण का स्क्वायर यानी कि ओ बी का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे ओ बी का स्क्वायर बराबर लंब और आधार, हम इन दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं। तो लंब हम ओ डी को ले लेते हैं और आधार हम बी डी को ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा ओ डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, और इसको हम समीकरण दो मान लेते हैं। और इसका भी रीजन सेम यही लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ओ सी का स्क्वायर है, तो ओ सी हमारा ये रहा। अब हम देखेंगे ये हमारा कौन से त्रिभुज में आ रहा है, बराबर के इधर देखिए हमें सी ई का स्क्वायर लाना है, तो सी ई यानी कि हमें ये वाला त्रिभुज लेना पड़ेगा, त्रिभुज सी ओ ई। ठीक है, तो अब हम त्रिभुज सी ओ ई लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज सी ओ ई में, तो इसमें हमारा क्या होगा, ये भी एक समकोण त्रिभुज है क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है, तो इसके सामने ये भुजा है यानी कि ओ सी है, तो ये कर्ण हो जाएगी, यानी कर्ण का स्क्वायर मतलब ओ सी का स्क्वायर बराबर होगा किसके, हम इन दोनों में से यानी कि ये जो दोनों है इन दोनों में से किसी को भी लंब और आधार ले सकते हैं। तो लंब मैं इसको ले लेता हूँ यानी कि सी ई को, और आधार ओ ई को ले लेता हूँ। तो यहाँ पर लिख देंगे लंब का स्क्वायर यानी सी ई का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी ओ ई का स्क्वायर, और इसको हम समीकरण तीन मान लेंगे। इसका भी रीजन यही होगा सेम, पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये समीकरण एक, समीकरण दो और समीकरण तीन है, इन तीनों को हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि समीकरण एक दो व तीन को जोड़ने पर, तो देखिए तीनों समीकरण को जोड़ने पर हमें क्या मिलता है, पहला समीकरण हमारा ये रहा। ठीक है, इसमें बराबर के इधर क्या है, ओ ए का स्क्वायर है, तो इसको सबसे पहले लिखेंगे ओ ए का स्क्वायर, और इसमें हमें जोड़ना है क्या, दूसरा समीकरण ये रहा, इसमें बराबर के इधर ये है ओ बी का स्क्वायर, और इसमें हम जोड़ेंगे, तीसरा समीकरण ये रहा, इसमें बराबर के इधर ओ सी का स्क्वायर है। हमने क्या किया है कि तीनों ही समीकरण में बराबर के इधर यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पर जोड़ दिया। अब बराबर के इधर जो है यानी कि राइट हैंड साइड में इनको भी जोड़ेंगे, तो सबसे पहले ए एफ का स्क्वायर प्लस ओ एफ का स्क्वायर है, तो यहाँ लिखेंगे ए एफ का स्क्वायर प्लस ओ एफ का स्क्वायर, और इसमें हम जोड़ देंगे ये वाला यानी ओ डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, और इसमें जोड़ेंगे ये यानी कि सी ई का स्क्वायर प्लस ओ ई का स्क्वायर। अब देखिए ये हमारा आ रहा है, लेकिन हमें लाना है ये, यानी कि बराबर के इधर हमारा ये पूरा आना चाहिए। तो देखिए ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर, वो तो हमारा इसमें भी आ गया, लेकिन हमें अब ये तीनों लाना है, माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर। तो कैसे लाएंगे हम, सबसे पहले इसको तो उतार लेते हैं, ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर। अब हमें माइनस ओ डी स्क्वायर लाना है, तो देखिए बराबर के इधर ये रहा प्लस में ओ डी स्क्वायर, तो इसको बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस का ओ डी स्क्वायर हो जाएगा। फिर हमें माइनस का ओ ई स्क्वायर लाना है, तो देखिए ये रहा बराबर के इधर प्लस का ओ ई स्क्वायर, ये इधर आएगा तो माइनस का ओ ई स्क्वायर हो जाएगा। फिर हमें माइनस ओ एफ स्क्वायर लाना है, तो ओ एफ स्क्वायर ये रहा, ये बराबर के इधर आके माइनस का ओ एफ स्क्वायर हो जाएगा। अब बराबर के इधर क्या बचा है वो हम यहाँ पर उतार देंगे, तो सबसे पहले ये बचा हुआ है ए एफ का स्क्वायर, फिर इसके बाद बचा हुआ है हमारा ये प्लस में बी डी का स्क्वायर, और फिर ये बचा हुआ है प्लस में सी ई का स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि हमें ये सिद्ध करना था और ये हमारा यहाँ पर आ गया, यानी कि जो हमें सिद्ध करना था वो हमारा यहाँ पर आ गया, यानी कि हमने ये सिद्ध कर दिया। तो यहाँ पर लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है,
तो ये फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन हमारा कंप्लीट हो गया, यानी कि फर्स्ट पार्ट में हमें ये सिद्ध करके दिखाना था तो हमने यहाँ पर कर दिया। अब सेकंड पार्ट में हमें ये करना है, यानी कि हमें ये दर्शाना है। तो देखिए सेकंड पार्ट को हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो देखिए सेकंड पार्ट में हमें ये दर्शाना है, सबसे पहले ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर बराबर में हमें ए ई का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस बी एफ का स्क्वायर दर्शाना है। तो देखिए कैसे दर्शा सकते हैं, इसके लिए क्या करेंगे हम कि जो हमने यहाँ पर ये सिद्ध किया है इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ये जो है बराबर के इधर वाला इसको हम पहले लिख लेते हैं। क्यों हम इसको पहले लिखेंगे, क्योंकि देखिए इसमें ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर है और बराबर के इधर हमें इसमें यही दर्शाना है ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर। तो इसको हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, यानी कि ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर। और इसको पहले लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों बराबर हैं, इसीलिए हम इसको पहले लिखें या बाद में लिखें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके बराबर में ये है तो इसको यहाँ पर उतारेंगे, ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर माइनस ओ एफ का स्क्वायर। और ये हम कैसे लिख रहे हैं, ये हमने सिद्ध किया है पहले ही, तो इसका रीजन भी लिख देते हैं, सिद्ध किया है। ठीक है, अब देखिए आगे, ये तो हम एज इट इज यहाँ पर उतार देंगे क्योंकि बराबर के इधर हमारा यही दर्शाना है, तो ये हमारा बराबर के इधर पहले से यहाँ पर आ चुका है, तो इसमें हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है। इसको एज इट इज यहाँ पर उतारेंगे, ये बी डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर। अब जरा ध्यान दीजिए, हमें बराबर के इधर ये ए ई का स्क्वायर लाना है, ए ई इसका स्क्वायर हमें लाना है, तो ये कैसे आ सकता है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो ये ओ ए का स्क्वायर है इसको तो हम एज इट इज लिख देते हैं, और जो ये माइनस ओ ई स्क्वायर है इसको हम इसके साथ लिख देते हैं यहाँ पर माइनस का ओ ई स्क्वायर, और ये हमारा एक यहाँ पर पेयर बन गया। ठीक है, ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। इसी तरह से हमें बी एफ का स्क्वायर लाना है, तो देखिए बी एफ ये रहा, तो इसमें ये हमारा कैसे आ सकता है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो ये प्लस में ओ सी का स्क्वायर है इसको लेंगे और जो ये माइनस में ओ डी का स्क्वायर है इसको लेंगे, तो ये हमारा हो गया। फिर इसके बाद हमें बीच में ये प्लस का सी डी स्क्वायर ये लाना है, तो देखिए सी डी यानी कि ये हमें लाना है, तो ये कैसे आ सकता है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो ये प्लस का ओ बी स्क्वायर है इसको हम लिख लेते हैं प्लस का ओ बी स्क्वायर, और ये बच गया है माइनस में ओ एफ स्क्वायर, तो इसको हम लिख देंगे। अब देखिए हमने यहाँ पर इस तरह से क्यों किया है, ध्यान दीजिए हमें ए ई का स्क्वायर लाना है, तो ये जो ए ई का स्क्वायर है यानी कि ए ई जो है ये कैसे आ सकता है, इसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाला त्रिभुज पे ध्यान दीजिए, त्रिभुज ओ ए ई पे, तो इसमें हमारा ये समकोण है, इसके सामने वाली भुजा ये क्या है कर्ण है, यानी कि ओ ए जो है ये कर्ण है, तो हमें जो है ये ए ई लाना है यानी कि ये लाना है, तो ये कैसे आ सकता है, अगर हम कर्ण के स्क्वायर में से इसको घटा देते हैं यानी कि ये जो दूसरी वाली भुजा है इसको घटा देंगे तो ही हमारा ये आएगा। जैसे कि आपको पता होगा कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है हमारा वो किसके बराबर होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर। तो हमें अगर कर्ण का मान पता करना हो तो इसके लिए क्या करते हैं कि लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर को जोड़ देते हैं। लेकिन अगर हमें मान लीजिए कि लंब पता करना है तो लंब पता करने के लिए क्या करते हैं, यानी कि जो ये लंब का स्क्वायर होता है ये पता करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो ये वाला होता है इसको हम इधर भेज देते हैं, तो ये प्लस में इधर है बराबर के इधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो सेम इसमें भी यही है। ठीक है, हमें अगर ये पता करना है, मान लीजिए कि ये लंब है तो ये हमें पता करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे कि कर्ण के स्क्वायर में से इस आधार के स्क्वायर को घटा देंगे, तो सेम हमने यहाँ पर ऐसे किया है। ठीक है, ताकि हम अगर इसमें से इसको घटा देंगे तो हमें ये मिल जाए यानी कि ए ई का स्क्वायर मिल जाए। इसी तरह से ये भी है और ये भी है, तीनों ही त्रिभुज में। तो अब देखिए आगे करते हैं, इसको तो उतारेंगे ए एफ का स्क्वायर प्लस बी
डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर और बराबर में ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर है, यानी कि इस ओ ए के स्क्वायर में से इसमें से माइनस करेंगे ओ ई का स्क्वायर तो हमें ए ई का स्क्वायर मिलेगा, तो इसीलिए यहाँ पर हम ए ई का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, प्लस है, फिर इसके बाद ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर है, तो देखिए ओ सी स्क्वायर में से अगर ओ डी स्क्वायर घटाएंगे तो क्या बचेगा, ये सी डी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये हमारा कर्ण हो जाएगा इस वाले त्रिभुज में और ये मान लीजिए कि आधार है, तो ये लंब हो गया, तो इसमें हमारा इस कर्ण के स्क्वायर में से आधार के स्क्वायर को घटाया हमने तो लंब का स्क्वायर यानी कि सी डी का स्क्वायर बचेगा। फिर ये प्लस में ओ बी स्क्वायर में से ओ एफ के स्क्वायर को घटाएंगे, तो देखिए ओ बी स्क्वायर में से ओ एफ के स्क्वायर को घटाएंगे तो बी एफ का स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ पर लिख देंगे बी एफ का स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया। अब देखिए जो हमें दर्शाना था वो हमारा यहाँ पर आ चुका है, तो लिख देंगे हैंस प्रूफ्ड। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट का सोल्यूशन। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर फिर भी कहीं कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।